गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ब्राइट कोचिंग लोकरगंज इलाहाबाद मींस प्रयागराज। वेलकम अगेन ऑन योर ब्यूटीफुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ब्राइट कोचिंग लोकरगंज प्रयागराज, और मैं आपका फेवरेट साइंस टीचर अनिल तिवारी। टुडे टॉपिक इज बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। In lecture 1, we have discussed what is chemical reactions, what is chemical equation, their definitions, and what is the process to write a chemical equation. Today we will discuss a very important topic for your board examinations as well as other competitive examination like NTSC, Olympiad, etc. तो टुडे टॉपिक इज बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब आइए बेटा हम लोग अपनी बात करते हैं, क्या है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है, हाउ टू बैलेंस, और मैं आपको बहुत ही एक जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, और आप किसी भी तरह का एनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन यू आर एबल टू बैलेंस वेरी इजिली, वेरी इजी वे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये समझते हैं बच्चों कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है। व्हाट इज द नेसेसरी, व्हाट इज द यूज ऑफ अ केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो पहले हम लोग समझते हैं कि क्यों जरूरी क्यों है, क्यों बैलेंस करा जाता है। तो सुनो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं कि व्हाई इट इज नेसेसरी to balance a chemical equation। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है, इसका बेटा एक सिंपल सा आंसर है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर, इसमें आपने लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखिए इसका सीधा बेटा आंसर है to follow law of conservation of mass। ये law given by Antoni Lavoisier। Who was Antoni Lavoisier? Father of chemistry. Antoni Lavoisier is the father of chemistry. देखो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सबको पता है कि मैटर को हम लोग मास को हम लोग बेटा डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना क्रिएट कर सकते। तो जब मास को हम लोग ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, तो मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, वो कंजर्व होता है, इसे बोलते हैं कंजर्वेशन, मतलब कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय और क्रिएट। ओके, इस लॉ के बेटे अकॉर्डिंग क्या है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। So, in any chemical equation, बहुत ध्यान समझिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। सो इन एनी केमिकल इक्वेशन रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मान ली टू प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हैं। ओके, तो मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमेशा बेटा इक्वल होना चाहिए। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, देखिए एरो से जो एरो आप इंडिकेट करते हैं, तो एरो से बेटा जो लेफ्ट साइड होता है इट इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट, कॉल्ड एज रिएक्टेंट।
एंड एरो के बाद जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट. प्रोडक्ट प्रोडक्ट मीन्स न्यू सब्सटेंस. केमिस्ट्री में कौन सा वर्ड यूज करा जाता है? सब्सटेंस. इसको याद रखिएगा, सब्सटेंस इज द वर्ड फॉर केमिस्ट्री. ओके, रिएक्टेंट भी क्या है? सब्सटेंस ही है. सब्सटेंस ओके, लेकिन बट इट इज न्यू सब्सटेंस. जैसे मिल्क से आपने दही बना दिया, कर्ड बना दिया, तो कर्ड हो गया प्रोडक्ट और दूध हो गया जो मिल्क है वो रिएक्टेंट है. ओके बेटा, इतनी बात समझ में आ गई. एरो क्या शो करता है? एरो शो करता है डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन. एरो शोस डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन. डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन लिखा करिए. मेन वर्ड कौन सा है? केमिकल रिएक्शन. मान लीजिए सिर्फ रिएक्शन लिखेंगे तो फिजिक्स का रूल आ जाएगा, एक्शन रिएक्शन रूल. इसलिए आप लोग केमिकल रिएक्शन लिखा करिए, बिकॉज इट इज अ केमिकल चेन, रिवर्स नहीं हो सकता. ओके बच्चों, तो आई होप आप लोग कितनी बातें समझ में आई होंगी. इसको आप लोग पहले नोट करिए, फिर हम लोग एक छोटा सा इस पर एग्जाम्पल लिखते हैं. आई होप आप लोग नोट कर लिया होगा. कुल मिला के इसका आंसर है टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इट इज द क्लू वर्ड, क्लू सेंटेंस. ओके बच्चों, आइए अब एक बेटा हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल नोट करते हैं. एक हम लोग रिएक्शन लिखते हैं और उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इंडिकेट करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग. व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन. रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन का मीनिंग होता है बर्निंग, याद रखिएगा. इसी को बेटा कॉमन लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? बर्निंग, मतलब जलाना किसी चीज को. बर्निंग भी बोल सकते हैं, कंबशन भी कर सकते हैं. और क्या लिख सकते हैं? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन या रिएक्शन विथ एयर. तो इसको थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखिएगा कि बर्निंग अगर लिखा है क्वेश्चन में, या कंबशन लिखा है, या रिएक्शन विथ एयर लिखा है, इन सब का मतलब होता है बेटा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, बर्निंग, सब सेम है. ओके, तो सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन मतलब बर्निंग ऑफ सोडियम टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन. देखिए इस तरह से आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आ भी चुका है, रिपीट हो चुका है. अब इसको हम लोग कैसे बेटा सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन देखते हैं कि कौन रिएक्टेंट है, कौन प्रोडक्ट है, मतलब डिटरमाइन करना पड़ेगा. तो देखिए सोडियम रिएक्ट कर रहा ऑक्सीजन से, तो क्या बना रहा है? सोडियम ऑक्साइड. देखिए ये प्रोडक्ट है और सोडियम किससे मिल रहा है, रिएक्शन कर रहा ऑक्सीजन से, ये रिएक्टेंट है. ओके, इट मीन्स सबसे पहले बेटा जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? पहले इसको लिखते हैं वर्ल्ड इक्वेशन. वर्ल्ड इक्वेशन क्या मतलब होता है? वर्ल्ड के फॉर्म में, लेटर के फॉर्म में लिखना. ओके, कैसे लिखेंगे बच्चों? सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन मतलब प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म कर रहा है? सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड. इट मीन्स यहां लिख देंगे सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड. ओके, सोडियम का स्टेट क्या होता है? सॉलिड लिख दीजिए. ऑक्सीजन क्या है? गैस. ये स्टेट लिखना भी जरूरी है. सोडियम ऑक्साइड क्या होता है बेटा? सॉलिड. अब देखिए स्टेट कैसे पता करेंगे कि वो सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा? बहुत ही आसानी सा कॉन्सेप्ट है. ये कंपाउंड है, अगर स्टार्टिंग में मेटल आ रहा है, अगर मेटल से स्टार्ट होगा कंपाउंड तो हमेशा सॉलिड होगा. ओके माय डियर स्टूडेंट,
और सोडियम क्या है, मेटल, सारे मेटल सॉलिड होते हैं। और जो कंपाउंड बनेगा, अगर शुरू में मेटल लिखा है स्टार्टिंग में, जैसे सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम क्या है, मेटल है, इसलिए ये कंपाउंड भी क्या होगा, सॉलिड होगा। और ऑक्सीजन बेटा सबको पता है कि ऑक्सीजन गैस होती है, इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इट इज कॉल्ड एज वर्ल्ड इक्वेशन, वर्ल्ड इक्वेशन मतलब हमने वर्ल्ड के फॉर्म में इसे लिख दिया। अब बेटा इसको हम लिखेंगे केमिकल इक्वेशन, केमिकल मतलब इसका सिंबल लिखेंगे, सोडियम कैसे केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सोडियम कैसे लिखते हैं, एन ए, ओके, प्लस ऑक्सीजन क्या है, गैस है। मैंने आपको बताया था कि जो भी गैसेस होंगी, ऑक्सीजन गैस कैसे लिखेंगे बेटा, ओ टू, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन गैस, ओके, ध्यान रखिएगा, नोट दिस पॉइंट। तो ओ टू प्लस ओ टू एंड सोडियम ऑक्साइड क्या होता है, फार्मूला एन ए टू ओ। जिन बच्चों को फार्मूले बनाने नहीं आता केमिकल फार्मूला, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, मैं इस पर एक पूरा सेपरेट आप लोगों को हाउ टू फॉर्म अ या राइट अ केमिकल इक्वेशन में पूरा आपको बताऊंगा, सॉरी केमिकल फार्मूला मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करूंगा एक सेपरेट वीडियो में। वैसे भी आपने नाइन्थ क्लास में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में इसके बारे में स्टडी करा होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं पूरा एक इसके लिए लेक्चर ही आपको बना दूंगा। अब देखो बेटा ये बन गया, इट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। अब इसमें देखना कि ये बैलेंस है कि नहीं, ध्यान समझिएगा, हमारा मेन है कि बैलेंसिंग करना। अब देखिए जरा काउंटिंग करो बेटा, रिएक्टेंट ये हो गए, रिएक्टेंट में सोडियम कितने एटम है, वन, और इस साइड कितने हैं, प्रोडक्ट साइड Na2, मतलब टू एटम्स हैं, यानी ये अनबैलेंस है। इसमें देखिए ऑक्सीजन कितना रिएक्टेंट साइड, टू ऑक्सीजन, इधर कितना बेटा, वन, यानी कि ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है। देखिए सोडियम कितने आइटम्स हैं, सोडियम बच्चों वन एटम रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड कितने हैं, देखिए Na के टू एटम्स हैं, टू एटम्स, देखो Na2 मतलब टू एटम। ऑक्सीजन कितने आइटम हैं, टू एटम्स, और इस साइड कितना प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन का, वन एटम। इट मींस इट इज नॉट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इट इज अ अनबैलेंस, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो याद रखिएगा, अभी हम लोगों ने सिर्फ इसका स्केलेटल बनाया, मतलब सिंपली लिख लिया, इसे स्केलेटल बोला जाता है, जैसे आपका बॉडी का सिस्टम होता है स्केलेटल सिस्टम, सेम उसी तरह भी हमने इक्वेशन सिर्फ लिखा है समझने के लिए, इसलिए याद रखना बेटा अनबैलेंस है, मतलब स्केलेटल फॉर्म में है, ओके। अब इसको हमको मेन बनाना है बैलेंस फॉर्म में, तो बैलेंसिंग कैसे करेंगे, अब ध्यान समझिएगा, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसको बैलेंस फॉर्म में कन्वर्ट करना। बच्चों देखिए, आप सब लोग हेडिंग लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नोट करिए, एटी फार्मूला। अब क्या एटी फार्मूला है, इट इज माय फार्मूला, इसलिए मैंने इसका नाम भी अपने नाम पर रख दिया है, अनिल तिवारी फार्मूला। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई भी आप इक्वेशन बैलेंस कर लेंगे, ओके माय डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। देखिए इसको बैलेंस कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले आप रिएक्टेंट साइड देखिए, कौन कौन से आइटम हैं, सोडियम है, ऑक्सीजन है, बीच में देखो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस के पहले प्लस के बाद देखना है, प्लस के पहले क्या लिखा है, सोडियम, कितने आइटम्स, वन आइटम, ओके। अब प्लस के बाद देखिए क्या लिखा है, ऑक्सीजन, हाउ मेनी आइटम्स, टू आइटम्स, टू लिख लीजिए। अब बताइए दोनों अलग अलग हैं कि एक साथ हैं, तो पता चला कि ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, इसको अलग रहने दीजिए, इसी तरह सेपरेट कर दीजिए। अब प्रोडक्ट साइड आइए, Na कितने आइटम बेटा, टू आइटम्स, ऑक्सीजन कितने आइटम्स, वन आइटम, दोनों साथ में है कि अलग अलग है, ध्यान से देखिए Na2 सब साथ में एक कंपाउंड बन गया है।
अगर एक साथ होगा, बहुत ध्यान समझिए हमारी बात, अगर एक साथ होंगे एटम, अगर एक साथ होंगे, टुगेदर होंगे, तो बेटा इसमें आपको एक बिग, इस तरीके से बिग ब्रेकेट बनाना है, ओके। और जो अलग अलग होंगे उसको इस तरह छोड़ दीजिए, उसमें कुछ आपको चेंज नहीं करना है। आप क्या करना बेटा, देखिए रिएक्शन को जब हम लोग बैलेंस करते हैं तो सिर्फ एक ही हम लोग उस पर अप्लीकेशन करते हैं, ओनली बाई मल्टीप्लीकेशन, याद रखिएगा। कैसे बैलेंसिंग करते हैं, ओनली बाई मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई, केवल आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको ना ऐड करना है, ना सबट्रैक्ट करना है, ओके, ना डिवाइड करना है, ओनली मल्टीप्लीकेशन करना है, ओके बेटा। अब ध्यान से देखिए, सोडियम रिएक्टेंट साइड वन है और यहाँ कितने बेटा है, टू है, टू एटम्स है। तो आप बताइए, हम वन को टू बनाना चाह रहे हैं तो किसका मल्टीप्लाई किस साइड करना पड़ेगा, तो ये वन ये टू, इट मीन्स हमें वन में टू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके बेटा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं टू का, आइए टू का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई टू, किस में, सोडियम, टू वन जा टू, यहाँ भी टू हो गया, चलिए बैलेंस हो गया। आप ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन कितने आइटम्स हैं, टू, यहाँ कितना बेटा वन, अच्छा किधर कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस साइड ये वन है ये टू है, तो यहाँ पे हमें टू का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये है तो दोनों साथ में है, कोई बात नहीं, ब्रेकेट के बाहर ही मल्टीप्लाई करा जाएगा, यहाँ टू का मल्टीप्लाई करिए। अब बताइए, ऑक्स टू का मल्टीप्लाई करने से सोडियम का आइटम कितने हो गए, फोर, और ऑक्सीजन का आइटम कितने हो गए बेटा, टू वन जा टू हो गए। अब ध्यान रखिएगा, अब टू बन गया फोर और वन बन गया टू। अब फिर एक बार थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, देखिए सोडियम कितना है फोर, अच्छा इधर कितना है, टू वन जा टू है, कोई बात नहीं, थोड़ा चेंजिंग कर देते हैं, यहाँ बेटा चेंज कर दीजिए फोर का, तो फोर वन जा कितना हो गया फोर, और टू एटम ऑक्सीजन के, सोडियम का फोर, इधर देख लीजिए सोडियम के फोर एटम्स, ऑक्सीजन के टू, इट मीन्स हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब बेटा जो जिस जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है उसको कोफिशियंट के फॉर्म में पुट अप कर दीजिए, देखिए बहुत आसान है, सोडियम में कितने का मल्टीप्लाई किया आपने, फोर का, फोर को यहाँ पे पुट अप कर दीजिए, ओके। और ऑक्सीजन में कोई मल्टीप्लाई नहीं हुआ, इधर देखिए कंप्लीट में कितने मल्टीप्लाई किया है, होल में टू का, यहाँ बेटा लिख दीजिए टू, देखिए हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। इट मीन्स हमारा बेटा जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा, फोर एन ए प्लस ओ टू इज इक्वल टू टू एन ए टू ओ, इट इज कॉल्ड एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी बातें, और इस सबका बेटा फिजिकल स्टेट जरूर लिखा करिए, जैसे सोडियम क्या स्टेट है, सॉलिड, इसका क्या है गैस, इसका क्या है सॉलिड, यहां भी लिख देते हैं सोडियम क्या स्टेट है बेटा, सॉलिड, छोटा एस लिखेगा स्मॉल लेटर में, ये हो गया गैस एंड इट इज सॉलिड, सॉलिड क्यों है, क्योंकि स्टार्टिंग में मेटल है। तो आई होप आप लोग के बेटा बैलेंसिंग समझ में आ गया है, आप लोगों को एग्जाम में ये थर्ड स्टेप लिखना पड़ेगा, ये फर्स्ट स्टेप, फिर आपको लिखना है फर्स्ट स्टेप में वर्ड इक्वेशन, सेकेंड स्टेप में अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, एंड थर्ड स्टेप में बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और याद रखिएगा फार्मूला, आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व करिए आपका एटी फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा, ओके बच्चों। अब भाई एक एग्जांपल और इस पर समझ लेते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन मीथेन गैस, क्वेश्चन नंबर टू, व्हेन मीथेन गैस बर्न्स
टू फॉर्म CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एक्चुअली में वाटर वेपर का फॉर्मेशन होता है वाटर वेपर हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। देखो ये जो हमने पूरा लिखा है इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। देखिए जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा एज वाले प्रॉब्लम पढ़ा होगा ना कि द एज ऑफ एक्स इज 2 times द एज ऑफ वाई ऐसा पढ़ा होगा, तो जो पूरा क्वेश्चन होता है ना इसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को केमिकल इक्वेशन। ओके हीट एंड लाइट ये बेटा हो गया केमिकल रिएक्शन। अब क्या करना है राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द गिवन केमिकल रिएक्शन। देखिए मैंने आपको एक केमिकल रिएक्शन दिया, इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में इसे सॉल्व करना है। जस्ट लाइक जैसे हमने सॉल्व किया था सेम उस तरह सॉल्व करना है, एटी फार्मूले का यूज करके इसे बैलेंस करना है। ओके बच्चों आइए पहले हम लोग इसका लिखते हैं क्या वर्ल्ड इक्वेशन। बताइए क्या वर्ल्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड कौन कौन से सब्सटेंस आएंगे? मिथेन गैस बर्न्स, बर्न्स का मतलब मैंने बताया था प्लस ओ टू, ऑक्सीजन को ऐड करिए तो बर्निंग होता है कंबशन होता है, अभी मैंने रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। तो मिथेन गैस लिखेंगे बच्चों, मिथेन क्या है गैस है प्लस बर्न हो रहा है इसका मतलब इसमें ऐड करेंगे ऑक्सीजन, क्या फॉर्म हो रहा बच्चों टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाई ऑक्साइड किस फॉर्म में है गैस प्लस वाटर वेपर, आइस लिखा हो चाहे वाटर वेपर लिखा हो चाहे वाटर लिखा हो सबका फार्मूला बेटा होता है H2O, याद रखिएगा आइस का फार्मूला भी क्या होता है H2O, वाटर का फार्मूला भी क्या होता है फार्मूला मतलब केमिकल फार्मूला H2O, और वाटर वेपर का भी बेटा फार्मूला क्या होगा वाटर वेपर इज ऑल्सो इंडिकेटेड बाई H2O, सब सारे सेम है केवल उसका स्टेट अलग है। आइस आपका सॉलिड है, वाटर लिक्विड है और वेपर क्या है गैसेस फॉर्म में, वाटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सबका फार्मूला सेम है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है केवल स्टेट अलग दिख रही। ओके तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ओके वाटर वेपर गैसेस फॉर्म में प्लस हीट प्लस लाइट, तो इट इज आवर वर्ल्ड इक्वेशन। ओके बच्चों इट इज वर्ल्ड इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा वर्ल्ड इक्वेशन, सबसे पहले लिखना है फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में राइट अ वर्ल्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट स्टेप वर्ल्ड इक्वेशन। अब सेकेंड स्टेप में क्या लिखना है, सेकेंड स्टेप केमिकल इक्वेशन। मिथेन गैस का जो फार्मूला होता है इट इज कॉल्ड एज CH4, इट इज कॉल्ड एज मिथेन गैस, गैसेस स्टेट में G लिख दीजिए प्लस ऑक्सीजन कैसे लिखेंगे O2, किस स्टेट में गैसियस G लिख दीजिए छोटा G, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या होता है गैस होता है प्लस वाटर वेपर यानी H2O किस फॉर्म में है गैसेस फॉर्म में प्लस हीट प्लस लाइट। देखो हीट और लाइट का कोई फार्मूला नहीं होता बिकॉज हीट एंड लाइट आर फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट क्या होता है एनर्जी होता है, लाइट क्या है बेटा एनर्जी है, तो एनर्जी में बेटा मास नहीं होता इसलिए इसका कोई फार्मूला भी नहीं बन सकता। ओके तो हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, ओके इट इज बैलेंस सॉरी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब चेक कर लिए बैलेंस है क्या अनबैलेंस है, ध्यान देखिए कार्बन कितने आइटम्स
वन रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड बेटा चेक करिए कार्बन कितने आइटम्स, वन, चलिए तो बैलेंस है। हाइड्रोजन चेक करिए हाइड्रोजन कितने आइटम्स, फोर। प्रोडक्ट साइड देखिए हाइड्रोजन कितने आइटम्स, हाउ मेनी आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन, टू। ओके चलिए यहां तक हो गया। अब प्लस के बाद आइए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने आइटम्स, टू। प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन कितने आइटम्स बताइए, टू और ये थ्री। इट मीन्स इट इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस नहीं है बेटा। देखिए यहां पे कार्बन वन, कार्बन वन, हाइड्रोजन यहां फोर है और यहां बेटा कितना है, टू है। यहां कितना है, टू ऑक्सीजन, यहां है थ्री। इट मीन्स इट इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, इट इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। आइए आप लोग अब यूज करते हैं स्टेप थर्ड, एटी फार्मूले का यूज करते हैं और इसको बैलेंस करते हैं। ओके बच्चों, आइए इक्वेशन नंबर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कहाँ कर दें, चलिए यहीं पे देखते हैं। चलो बेटा स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है, स्टेप थर्ड इसी को चेंज कर देता हूँ, थर्ड स्टेप। देखिए थर्ड स्टेप ही सबसे मेन है आपको, जिसमें बैलेंस करना है। आइए काउंटिंग करते हैं, कार्बन वन हाइड्रोजन फोर एक साथ है या से एक साथ है, तो बेटा इसमें आप ब्रैकेट बना दीजिए, लार्ज ब्रैकेट बिग ब्रैकेट ये। अब प्लस के बाद देखिए ऑक्सीजन कितने आइटम, टू, एलोन है अकेला है इसलिए इसको इस तरह छोड़ दीजिए। अब आइए प्रोडक्ट साइड, कार्बन कितना है, वन, ऑक्सीजन बेटा कितने आइटम्स हैं, टू, ऑक्सीजन कितने आइटम्स, टू, कार्बन कितने आइटम्स, वन, ऑक्सीजन कितने आइटम्स, टू, एक साथ है यस, तो इसको ब्रैकेट बना दीजिए। आप सेकेंड प्रोडक्ट देखिए प्लस के बाद, हाइड्रोजन कितने आइटम्स, टू, ऑक्सीजन कितने आइटम्स, वन, एक साथ है यस, तो इसको आप ब्रैकेट बना दीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें देखना है कि हमको केवल मल्टीप्लाई करके इसे बैलेंस करना है। ओके तो एक बार आप लोग ट्राई करिए और देखिए कि कैसे बैलेंस होगा, कहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों ने बैलेंस कर लिया होगा, काफी मेहनत हो गई होगी आप लोगों की। आइए चेक करते हैं। देखो बेटा सबसे पहले ध्यान दीजिए, रिएक्टेंट में कार्बन कितने आइटम्स, वन, इधर कितना है, वन। देखिए ट्राई करिए आप लोग, कोशिश ये करिए जो सबसे छोटा नंबर है ना वहीं से बैलेंस किया करिए। तो कार्बन कितने आइटम्स, वन, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड कितने बेटा आइटम, वन, चलिए तो बैलेंस है। सेकेंड देखिए हाइड्रोजन कितने आइटम्स, फोर। ओके इधर के हाइड्रोजन कितने आइटम्स हैं, टू हैं, ये टू है ये फोर है, कितने का मल्टीप्लाई, टू का मल्टीप्लाई, यहाँ टू का मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई बाई टू। अब देखो टू का मल्टीप्लाई करने से, टू का मल्टीप्लाई करने से हाइड्रोजन कितने आइटम्स हो गए, फोर, और टू का मल्टीप्लाई करने से ऑक्सीजन कितने आइटम्स हो गए बेटा, टू आइटम्स। अब ये आइटम्स याद रखिएगा, फोर और टू बन गया, हाइड्रोजन का आइटम फोर हो गए, ऑक्सीजन का आइटम टू हो गया। ओके ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई करने से क्या इफेक्ट पड़ा, कार्बन वन, कार्बन वन तो ठीक है बैलेंस है, हाइड्रोजन हो गया फोर, हाइड्रोजन इधर भी फोर हो गया, बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए, रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन का आइटम कितने हैं, टू, अब इस साइड जरा चेक करो बेटा ऑक्सीजन कितना हो रहा, टू, यहाँ पे टू और टू बेटा ये, यानी टोटल इस साइड कितने ऑक्सीजन का आइटम है, फोर है ऑक्सीजन का आइटम, और इधर कितने हैं, टू, कितने मल्टीप्लाई होगा, टू का कॉमन सी बात है, टू को हमको फोर बनाना पड़ेगा, फोर ऑक्सीजन है। ओके तो मल्टीप्लाई बाई टू, ये टू बेटा कन्वर्ट हो जाएगा फोर में, फोर एटम। अब आप चेक कर लिए पूरा इक्वेशन आपका बैलेंस है, कार्बन वन, कार्बन वन, हाइड्रोजन फोर, हाइड्रोजन फोर एटम, ऑक्सीजन के फोर एटम्स, ऑक्सीजन के टू, यहां पे टू ये, तो फोर हो गया, टू एटम्स ये, टू एटम्स ये। अब बेटा इसको हम लोग क्या करेंगे, कोफिशियंट के फॉर्म में इसको पुट अप कर देंगे।
तो बताइए कोफिशिएंट फॉर्म पुटअप करने पे क्या बनेगा। सी एच फोर में कोई मल्टीप्लाई नहीं, मतलब यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं होगा। ऑक्सीजन में कितने मल्टीप्लाई किया, टू का, यहाँ पे लिख दीजिए कोफिशिएंट फॉर्म में टू। सी और ओ वाले फॉर्म में इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं हुआ। एच टू देखो, एच और ओ इस वाले में कितने मल्टीप्लाई, टू का, यहाँ लिख देंगे टू। इट इज आवर बैलेंस केमिकल इक्वेजन, ताकि इसको लोग बैलेंसिंग फॉर्म में नीचे लिख लेते हैं थर्ड स्टेप में। तो आवर बैलेंस केमिकल इक्वेजन इज सी एच फोर प्लस टू ओ टू इक्वल टू, एरो लगाएंगे, सी ओ टू प्लस टू एच टू ओ प्लस हीट प्लस लाइट। ओके, अब बेटा सबका स्टेट लिख देते हैं। मिथेन इज गैस, ऑक्सीजन इज गैस, सी ओ टू इज गैस, एंड ये वाटर वेपर है लेकिन कंडेंस होकर लिक्विड बन जाता है, इसलिए फाइनल में जब लिखेंगे फाइनल इक्वेशन में तो इसको लिक्विड लिखेंगे। हीट इज एनर्जी एंड लाइट इज एनर्जी, इट इज आवर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। ओके बेटा, तो थ्री स्टेप में इसको सॉल्व करना, मैं अब इसको हटा देता हूं। तो देखिए हमारा फर्स्ट हो गया वर्ड इक्वेशन, सेकेंड बेटा स्टेप में क्या हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन कैसा इक्वेशन, अनबैलेंस। एंड थर्ड स्टेप बेटा क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा केमिकल इक्वेशन। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में थ्री स्टेप्स में अपने रिएक्शन को सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब भाई एक एग्जाम्पल और बता देते हैं आपको। एक बात बच्चों याद रखिएगा, एक फार्मूला आप और समझ लीजिए जिससे आपको हेल्प हो जाएगी इक्वेशन बनाने में। देखिए किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करने पर, ध्यान समझिएगा, इसको नोट में लिख लीजिए आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनी हाइड्रोकार्बन, एनी हाइड्रोकार्बन ऑन कंप्लीट कंबशन ऑलवेज फॉर्म CO2, H2O, हीट एंड लाइट, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। ओके बेटा, अब देखो इसका मीनिंग क्या है कि हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है। देखिए ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ दो एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन, द कंपाउंड कंटेनिंग और मेडअप ऑफ या कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। ओके, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखो इसमें थोड़ा एक वर्ड और ऐड कर लेते हैं तो ये आपका और इफेक्टिव सेंटेंस हो जाएगा। एनी हाइड्रोकार्बन, इसमें एक और बेटा ऐड करो, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब कार्बन कंपाउंड, ऑन कंप्लीट कंबशन, ऑन कंप्लीट कंबशन टू फॉर्म, ऑन कंप्लीट कंबशन टू फॉर्म टू फॉर्म CO2, H2, हीट एंड लाइट एनर्जी। ओके बच्चों, इट मीन्स कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड आप पहचानेंगे कैसे, या हाइड्रोकार्बन, ध्यान समझना हमारी बात। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें C हो और तुरंत बेटा H हो, मतलब द कंपाउंड हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन, द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स ओनली आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन।
ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे बोलते हैं बेटा? जैसे आपने लिखा ग्लूकोज C6H12O6। देखिए जरा ध्यान समझिएगा आप लोग, C के बाद तुरंत H आया हाइड्रोकार्बन, देखिए C के बाद H आया और उसके अलावा भी कुछ अगर आ रहा है आगे उसको ध्यान नहीं देना है, स्टार्टिंग में CH होना चाहिए। तो जिसमें केवल CH होगा उसे बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, और जिसमें CH हो इसके अलावा भी कुछ कोई एटम आगे लिखा हो उसे बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हाइड्रोकार्बन भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है, लेकिन ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। और लिख लेते हैं जैसे C2H5OH, ये बेटा वाइन का फार्मूला है एथेनॉल, इसको बोलते हैं मीथेन गैस, मीथेन गैस। इसको आप जानते ही बोलते हैं ग्लूकोज, जो आप घर पे ग्लूकॉन डी पीते हैं गर्मियों में वही है। ये बच्चों क्या है? एथेनॉल, एथेनॉल जानते होंगे आप लोग, वाइन शराब जिसको बोला जाता है, इसी से वाइन बनाया जाता है, इट इज कॉल्ड एज एथेनॉल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल भी कहा जाता है इसे, इसी से बच्चों वाइन बनता है। ओके, आप ध्यान से समझिएगा, और बहुत सारे लिख सकते हैं लेकिन चलिए तीन में समझते हैं बेटा। इसको अगर आप बर्न करेंगे, बर्निंग का मतलब होता है इसमें ऑक्सीजन को ऐड कर दीजिए, बर्निंग बर्निंग बर्निंग, क्या फॉर्म होगा? ऑलवेज फॉर्म सबका बेटा प्रोडक्ट सेम होगा, CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। ओके, हाइड्रोकार्बन है ये, देखो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको भी बर्न करेंगे तो क्या बनेगा? सेम प्रोडक्ट, सेम मतलब CO2 H2O हीट लाइट। एथेनॉल को बर्न करेंगे क्या फॉर्म होगा बच्चों? सेम प्रोडक्ट CO2 H2O हीट लाइट। ओके, और भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, मान लो आपने लिख दिया C2H6, इसको बच्चों बोला जाता है इथेन गैस, इथेन गैस। इसको भी अगर हम लोग बर्न करते हैं, बर्न मतलब O2 को ऐड करते हैं, तो क्या फॉर्म होगा? सेम प्रोडक्ट CO2 H2O हीट लाइट। आपने घर पे LPG यूज करते हैं जिस पे खाना बनता है, LPG सिलेंडर लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें क्या होता है बच्चों? C4H10, और भी गैसेस होती हैं लेकिन सबसे ज़्यादा होता है C4H10, इट इज कॉल्ड एज ब्यूटेन। ये भी क्या है? गैस है। बताइए अगर आप घर पे जलाते हैं LPG गैस, O2 मतलब जल गया, जलने लगा, बर्निंग हो गया, क्या फॉर्म होता बच्चों? CO2 प्लस सेम रहेगा H2O प्लस हीट प्लस लाइट, यानी कोई भी हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसे बर्न करने पर हमेशा बच्चों क्या फॉर्म होगा? CO2 H2O हीट लाइट। ओके, देखिए कितने टोटल मैंने इक्वेशन लिखा, 1 2 3 4 5 बेटा। इन 5 इक्वेशन को आप लोगों को मैंने जो फार्मूला बताया AT फार्मूला, बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला था, समझ में आया होगा आप लोगों को। इन 5 इक्वेशन को बैलेंस करके और आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी करना है इसका, ठीक है? अब आइए एक मैं लास्ट आपको और इक्वेशन बता देता हूँ बैलेंस करना, रफ कर दें, समझ में आ गया होगा। लास्ट एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे बेटा क्वेश्चन लिखा हो कि ऑन हीटिंग, क्वेश्चन ऑन स्ट्रांगली हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट एट स्प्लिट अप, मतलब टूट जाता है, स्प्लिट अप मतलब ब्रेकडाउन हो जाना, टूट जाना, ब्रेकडाउन, इनटू पोटेशियम क्लोराइड एंड
ऑक्सीजन गैस। ओके, अब आपसे कहा जाए राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैसे सॉल्व करेंगे? सेम वही प्रोसीजर सॉल्व करते हैं बच्चों। स्टेप वन में क्या लिखेंगे बच्चों? वर्ड इक्वेशन। अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे, आप खुद सॉल्व किया करिए। स्टेप फर्स्ट, पहले खुद ट्राई किया करो बेटा, तब सोल्यूशन देखा करो तो ज़्यादा समझ में आएगा। जो पढ़ता है वही टॉप करता है, पढ़ाने से कोई टॉप ना किया था ना करता है ना करेगा। इसे पहले खुद ट्राई करो, देन वी विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर बुक। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करिएगा, रेफरेंस है तो रेफरेंस से भी सॉल्व करिए, लेकिन एनसीईआरटी का बेटा कंप्लीट आपको इक्वेशन आना चाहिए बैलेंस करना। ओके, स्टेप फर्स्ट क्या लिखेंगे बच्चों? वर्ड इक्वेशन। फर्स्ट लिखना हम लोग को वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन। कैसे लिखेंगे? स्ट्रांगली हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट, देखो बेटा पोटेशियम क्लोरेट लिखिए, पोटेशियम क्लोरेट। क्या करना है इसको? हीट करना है, हीटिंग। हीटिंग का बेटा मतलब होता है, यहाँ पे इस तरह से ट्रेंगल बना दीजिएगा, ट्रेंगल का मतलब होता है डेल्टा, इट इज कॉल्ड एज डेल्टा। और डेल्टा का बेटा मतलब होता है हीटिंग, मतलब गर्म करना। कैसे गर्म करना? तेजी से गर्म करना, स्ट्रांगली हीटिंग। ओके, जब बेटा इसको हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है पोटेशियम क्लोराइड। क्या क्या फॉर्म करता है? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब देखिए सबका स्टेट भी लिखते हैं। पोटेशियम क्या होता है? मेटल। मैंने बताया था अगर किसी कंपाउंड के स्टार्टिंग में मेटल लिखा हो पोटेशियम क्लोरेट, तो बेटा पोटेशियम क्या है? मेटल, इसलिए इसका स्टेट होगा सॉलिड। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम फिर मेटल आ गया, यानी इसका स्टेट क्या होगा? सॉलिड। और ऑक्सीजन बेटा सब लोग जानते हैं क्या होता है? गैस होता है। ओके, इट इज कॉल्ड एज वर्ड इक्वेशन। स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड। अब क्या लिखना हम लोग को? केमिकल इक्वेशन। आइए, पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला आप लोग शायद ना जानते हो, कोई बात नहीं, इसलिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से फार्मूला लिखा जाता है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान होता है बच्चों। पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला नोट बेटा करिए, के सी एल ओ थ्री, इट इज सॉलिड। हीट करिए, यहाँ ट्रेंगल बना दीजिए, ट्रेंगल का मतलब ऑन हीटिंग। पोटेशियम क्लोराइड के सी एल, फार्मूले के लिए टेंशन ना लीजिए, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। प्लस ऑक्सीजन, मैंने बताया था ऑक्सीजन क्या होती है? गैस। और गैस को बच्चों कैसे लिखते हैं? ऑक्सीजन को ओ टू लिखेंगे, इट इज ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दोनों सेम है, ओ टू यानी कि गैस। बेटा इट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। देखो ये बैलेंस है या अनबैलेंस है, चेक कर लेते हैं। पोटेशियम कितने आइटम्स? वन, देखो यहाँ वन है, इस साइड कितना है? वन। Cl कितने आइटम्स? वन। Cl कितने आइटम्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट साइड? वन। ऑक्सीजन बेटा कितने आइटम्स हैं रिएक्टेंट साइड? थ्री। देखो O3 मतलब थ्री आइटम्स, इधर कितना है प्रोडक्ट साइड? टू। इट मीन्स इट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमें क्या करना है? इसे बैलेंस करना है, यानी स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इसके बाद हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है, इसलिए स्टेप थर्ड को बहुत ध्यान से समझिएगा। इसको बैलेंस करते हैं, मैंने फार्मूला बता दिया आप लोगों को कैसे बैलेंस करना है, और ज़बरदस्त एटी फार्मूला सही अप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। आइए काउंटिंग करते बेटा, बताइए पोटेशियम के कितने आइटम? बताइए के का आइटम है वन, के का आइटम टू वन, वन।
क्लोरीन कितने एटम्स हैं? 1। ऑक्सीजन कितने एटम्स हैं? 3। ओके, ये रिएक्टेंट साइड का हो गया, रिएक्टेंट में ओनली वन रिएक्टेंट है, इसलिए ओनली वन बार लिखेंगे इधर। के वन एटम, Cl1, ऑक्सीजन 3। क्या एक साथ है? चेक करिए, यस सब एक साथ है। इसमें बच्चों क्या लगा देंगे? बिग ब्रेकेट। अब आइए प्रोडक्ट साइड, के कितने आइटम्स? 1। Cl कितने आइटम्स? 1। एक साथ है, यस एक साथ है, इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए ऑक्सीजन कितने आइटम्स? 2। क्या एक साथ है? हाँ एक साथ है, लेकिन तो अकेला पड़ा हुआ है, इसको अकेला रहने दीजिए। ठीक है, इसको आप लोग पहले नोट करिए, नोट डाउन करिए इसे। अब बेटा हम लोग को मल्टीप्लाई करके इसे बैलेंस करना है, तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं और इसको बैलेंस करते हैं। देखिए सबसे जो छोटा नंबर है लोवेस्ट, वहां से स्टार्ट करा जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। बताइए के कितने आइटम्स? 1। पोटेशियम का 1, इधर भी 1 है, बैलेंस है। के कितने आइटम्स? सॉरी Cl, क्लोरीन कितने आइटम्स? 1। क्लोरीन कितने आइटम्स? 1, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने आइटम्स? 3। और इधर कितना बेटा? 2। ये दिक्कत है, तो आइए चेक करते हैं कैसे सॉल्व होगा। बताइए, सोचिए सब लोग, मल्टीप्लाई करके इसको बैलेंस करना है। एक तरफ 3, रिएक्टेंट साइड 3 और प्रोडक्ट साइड 2, कैसे बराबर होगा सोचिए। देखिए इसका सिंपल सा रूल है कि 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिए, 2 का मल्टीप्लाई 3 में, यानी कि अगर हम 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें और 2 में 3 का कर दें, तो देखो इक्वल हो गया कि नहीं। 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6 इक्वल हो गया। तो सेम बेटा वही प्रोसीजर आपको यहाँ पे करना है, तो क्या करेंगे सोचिए। ये 2 है, ये 3 है, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई करने से 3 तो 6 हो गया, बट पोटेशियम और क्लोरीन भी तो इंक्रीज हो जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ओके ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। और ऑक्सीजन कितना इधर हो रहा है? 2 है, यहाँ 6 है, तो इसमें कितने मल्टीप्लाई बच्चों? 2 का, सॉरी 3 का, 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा कितना हो गया? 6। देखिए ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन पोटेशियम क्लोरीन के आइटम डिस्टर्ब हो रहे हैं, कोई बात नहीं। 2 2 है, इधर कितना है? 1 एंड 1, 8 मीन्स बहुत ही सिंपल, 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 1 बन जाएगा 2, 1 कन्वर्ट हो जाएगा 2 में। और देखिए ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है, इट मीन्स जब बेटा बैलेंस इक्वेशन हम लोग लिखेंगे तो क्या आंसर होगा बताइए। के सी एल और ओ में 2 का मल्टीप्लाई, इट मीन्स के सी एल ओ 3 में मल्टीप्लाई किया आपने 2 का, मतलब इसका कोफिशियंट बन गया 2। स्टेट क्या है? सॉलिड। ओके नेक्स्ट, KCl ये पोटेशियम क्लोराइड कितने मल्टीप्लाई? 2 का, इट मीन्स 2KCl होगा, यानी इसका कोफिशियंट यहाँ पर आएगा 2। मैं रेड से लिख देता हूँ कि आप लोग समझ में आए, 2। स्टेट क्या बेटा? फिजिकल स्टेट सॉलिड। एंड थर्ड, ऑक्सीजन कितने का मल्टीप्लाई किया आपने? 3 का, इट मीन्स आंसर विल बी ऑक्सीजन लिखेंगे, और ऑक्सीजन का आगे बेटा जो कोफिशियंट होगा 3। स्टेट क्या है? गैसियस। इट इज आवर फाइनल आंसर, इट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, तो आई होप बेटा आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, ये लेक्चर समझ में आया होगा। और आप जितने भी आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस दिए हैं, सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आप लोग को सॉल्व करना है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, मैं लाइव क्लास लेके उसे समझाऊंगा आप लोग को। ओके ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय, गुड।